अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे गे डेटिंग ऐप को यूज करना है तो मैं कौन से ऐप को यूज करूं, अगर मैं आपसे नाम पूछूं, तो आई एम 100% श्योर कि या तो फिर आपको गे डेटिंग ऐप पता नहीं होगा कि कौन कौन से हैं, और अगर पता होगा तो आपके मन में दो नाम जरूर आए होंगे, पहला है ग्राइंडर, दूसरा है ब्लूड। ठीक है, ये सबको पता है, बट क्या कुछ नया नहीं है, कुछ नए ऐप नहीं है क्या, कुछ लॉन्च हुए हों, कुछ नए हों, कुछ इंडियन हों, या फिर कुछ ऐसा हो जो कि, क्योंकि ग्राइंडर और ब्लूड यूज करते करते अगर आप भी बोर हो गए, तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ 6 गे डेटिंग ऐप के बारे में। न्यू 6 गे डेटिंग ऐप लेके आया हूँ जो कि इंडिया में है, उसमें से एक है जो कि प्योरली बिल्कुल इंडियन ही है, स्पेशली बना वो इंडियन को डेट करने के लिए। तो अगर आप इसको डेट करना चाहते हो तो ये जरूर सुनिएगा आप। ठीक है, तो मैं टोटली 6 ऐप के बारे में बताऊंगा गे डेटिंग ऐप के बारे में, अगर आप उनको यूज करना चाहते हो करिए, नए नए एक्सपेरिमेंट हमको करते रहना चाहिए, क्योंकि ग्राइंडर ब्लूड बहुत से लोगों को पता है और लोग बोर हो जाते हैं एक ही तरह के ऐप यूज कर करके। तो मैं नए कुछ ढूंढ के लाया, उसमें से कुछ नए हैं कुछ पुराने भी हैं, बट बहुत इंटरेस्टिंग है, तो एक बार ट्राई करना तो बनता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पॉइंट वाइज बात करूंगा, पूरे 6 ऐप के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो गे डेटिंग ऐप है उसका नाम है हैपन। जो पहला गे डेटिंग ऐप है उसका नाम है हैपन। अब देखो, बहुत सारे लोगों ने इसको यूज़ नहीं किया होगा कभी भी, क्योंकि ये ऐसे ऐप्स हैं जिनको शायद लोगों ने यूज़ नहीं किया है, बट ये बहुत ही यूज़फुल है, तो करना चाहिए, एक बार ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए। और कुछ लोगों ने हैपन यूज़ भी किया होगा, तो कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि जो हैपन है क्या वो गे डेटिंग ऐप है, मतलब वो स्ट्रेट के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग स्ट्रेट भी डेटिंग करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये स्ट्रेट के लिए है, गे के लिए नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, मैंने एक टेंडर ऐप के बारे में बताया था, आपने टेंडर ऐप सुना होगा, तो उसमें क्या होता है कि सिलेक्ट करना होता है मैन और वुमेन, बस आपको इसमें भी सेम चीज़ करना है, इसमें आपको मैन और वुमेन सेलेक्ट करना है, तो आप मैन को सेलेक्ट करेंगे जब, तो आपको लड़के ही दिखेंगे उसमें, लड़कियां नहीं दिखेंगी। तो गे लोग भी इस ऐप को यूज़ करते हैं, और स्पेशली बना है ये गे डेटिंग ऐप के लिए, तो अगर आपने ये हैपन ऐप को नहीं किया है यूज़, तो ज़रूर कीजिए, अपना एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर बताएगा। ठीक है, तो ये पहला ऐप रहा। दूसरा ऐप की तरफ बढ़ते गे डेटिंग ऐप की तरफ, वो है हॉर्नेट। जस्ट में ये थोड़ा पुराना है, कुछ लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, हो सकता है आपने सुना हो, बट आपको एक बात तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए अगर आप ग्राइंडर ब्लूड से बोर हो गए हैं। तो जो हॉर्नेट है ना, ये काफ़ी अच्छा ऐप है, आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स इसको इसमें देखने को मिल जाते हैं, मतलब अगर आप ग्राइंडर ब्लूड से बोर हो चुके हैं ना, तो ये आपके लिए है बिल्कुल। इसके बारे में काफ़ी अच्छा ऐप है, बट काफ़ी लोगों को पता नहीं है इस ऐप के बारे में, तो मैंने जो है लिस्ट में इंक्लूड किया है, तो इतना अच्छा तो नहीं है, बट आप लोग ट्राई कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल है, क्या पता आपको पसंद है। ठीक है, जितने भी ऐप है सारे ऐप जो है प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, बस नाम सर्च करके। ठीक है, थर्ड नंबर ऐप की बात करते हैं, वो है सुगा। ये जो तीसरा ऐप है ना, ये इंडियन ऐप है, इंडियन गे डेटिंग ऐप, कैन यू बिलीव गाइस, क्योंकि जितने भी ये जो ऐप्स होते हैं गे डेटिंग ऐप्स, ये काफ़ी फॉरनर्स होते हैं, तो हम ज़्यादा मैच नहीं कर पाते हैं कि उनके हिसाब से रहता है, बट ये जो है ना, ये इंडियन गे डेटिंग ऐप है। तो आई थिंक यहाँ पर हो सकता है आपको लाइफ पार्टनर वगैरह ऐसा कुछ, फ्रेंडशिप वगैरह, फ्रेंड बनाना इजीली हो यहाँ पर, आई थिंक मुझे लगता है, बाकी डेटिंग ऐप के मुकाबले शायद यहाँ पर सब कुछ फिजिकल ना होता हो, फ्रेंडशिप जैसी चीज़ एग्जिस्ट हो, तो आई थिंक आपको ये ज़रूर करना चाहिए ट्राई। ये जो गे डेटिंग ऐप है, ये फ्रेंडशिप के लिए और रिलेशनशिप के लिए साबित हो सकता है, क्योंकि जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको इंडियन लोगो लगेगा। इसका नाम है गे पर्सनल एड्स मेन डेटिंग, गे पर्सनल एड्स मेन डेटिंग, तो आप ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हैं, ये इंडियन ऐप है। सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे यही इसकी खुशी हो रही है कि भाई इंडिया में भी चलो लॉन्च हुआ ऐसा कोई इंडियन लोगो करके, हालांकि इसके डाउनलोड्स करोड़ों में तो नहीं है, बट लाख में है, तो ज़रूर आपको ट्राई करना चाहिए। आई थिंक आप ज़रूर एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि स्वदेशी है यार, हो सकता है कुछ अच्छा मिल जाए यहाँ पर। ठीक है, ऐप नंबर 4 की बात करते हैं, वो है रोमियो। रोमियो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, रोमियो इज़ अ टिपिकल गे डेटिंग ऐप जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक बार यूज़ करने लायक तो ज़रूर है, हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आ जाए, बट मोस्टली मैं अवॉइड करूँगा इसको, अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बट ये काफ़ी अच्छा है, मतलब आप ऐसा नहीं कि इसमें बोर हो जाएंगे, या काफ़ी कुछ है, कुछ ब्लूड जैसा सिमिलर है, कुछ कुछ ग्राइंडर जैसा सिमिलर है, दोनों का मिक्सचर है ये, तो आपको जरूर एक बार ट्राई तो करना चाहिए। आई थिंक रोमियो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सारे लोग यूज़ भी करते हैं, सबसे अच्छी बात यह कि इसमें करोड़ों लोग जो है यूज़ करते हैं, तो हो सकता है आपके लोकेशन के आसपास वाले काफ़ी लोग देखने को मिल जाए यहाँ पर, तो आप रोमियो ज़रूर ट्राई करना एक बार। ठीक है, आगे डेटिंग ऐप पॉइंट नंबर 5, पांचवे ऐप के बारे में बात करते हैं, वो है वल्ला। वल्ला के बारे में तो बहुत लोगों ने सुना होगा और काफ़ी फेमस भी है, तो मैंने इसको इसलिए लिस्ट में रखा है क्योंकि ब्लूड के बारे में तो लोग जानते हैं, बट वल्ला के बारे में नहीं जानते हैं। तो जैसा ब्लूड ऐप है, सेम टू सेम बिट्टो वल्ला ऐप है, आप चाहे ब्लूड डाउनलोड कर लीजिए चाहे वल्ला, दोनों एक ही लिंक हैं और एक ही शायद जुड़े हुए हैं दोनों ऐप, और दोनों का फीचर भी एक तो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो ये वल्ला ऐप, वल्ला ऐप में बिल्कुल ब्लूड जैसा सिमिलर हो, काफ़ी बेस्ट ऐप्स है वल्ला ऐप, तो आपको वल्ला तो बिल्कुल किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया है तो, बट अगर आप ब्लूड को यूज़ कर चुके हैं तो आई थिंक आपको वल्ला में कुछ नया नहीं मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, और लास्ट गे डेटिंग ऐप की बात करते हैं, वो है डिस्को। डिस्को भी एक गे डेटिंग ऐप है जो कि कहीं पर कह सकते हैं कि
छुपा हुआ था बट बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में, और थोड़ा पुराना तो है ये मैं मानता हूँ, बट डिस्को भी एक गेट डेटिंग ऐप है, तो ये भी आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इन 6 में से कितना यूज़ किया मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर, एंड आपको कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट में बताइएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड ये कुछ ऐप्स हैं जिसमें से कुछ नए थे कुछ पुराने थे, आप डेट कीजिए, आप लोगों के साथ डेट कीजिए, बातें कीजिए, और बताइए मुझे अपना एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको मेरे ये वीडियो। ठीक है, तो इस वीडियो को चलिए खत्म करते हैं। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चलिए बाय बाय।